नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। ईएमआरएस की 28,000 प्लस भर्ती आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग के पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। जल्द ही आपकी सेकेंड फेज का नोटिफिकेशन भी आपके सामने होगा, लेकिन कौन से लोग टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे उसकी एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी बच्चों को जो सबसे ज़्यादा समस्या है टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो आज का जो बेसिकली मेरा सेशन है वो टीजीटी के एलिजिबिलिटी पर है, आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पे है। आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और जो बच्चे अभी आप तैयारी करना चाहते हो टीजीटी पीजीटी का, चाहे किसी भी नॉन टीचिंग पोस्ट का, क्योंकि सभी पोस्ट आपके सेकेंड फेज में, जैसे फर्स्ट फेज में आई थी वैसे सेकेंड फेज में आएगी, तो टीम के द्वारा बैच चलाया जा रहा है। एक कॉम्बो बैच है जिसमें आपके टीजीटी का फर्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। सब्जेक्ट आप जैसा इंक्वायरी करते हो आपकी इंक्वायरी नोट की जाती है, और इंक्वायरी के बाद आपका सब्जेक्ट जो होगा वो चलाया जाएगा। तो अभी जो कॉमन पार्ट है उसके लिए 499 का ये ऑफर प्राइस है, ठीक है। ये मात्र 24 घंटे के लिए था, लेकिन अभी 10 तारीख तक, जब से जब क्लास आपकी जब से स्टार्ट नहीं हो रही है तब तक ये ऑफर आपको दिया जा रहा है। आप कॉम्बो बैच से परीक्षा प्लस एप्लीकेशन या आप live.parikshaplus.org से जाके ये कॉम्बो बैच से जुड़ सकते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लास, नोट्स और सेक्शनल टेस्ट आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी टीजीटी के लिए आप लोगों की, तो वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि सैलरी क्या रहेगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा आपका, ये सब कुछ, जितना आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस जो कॉमन पार्ट का है, बाकी सब्जेक्ट वाला सिलेबस तो आपका जो है जो आप पढ़ते हो बेसिकली वही ऑलमोस्ट रहता है, वैसे ही आपको पढ़ना है, ऑलमोस्ट आप एक बार दे चुके होंगे। तो यहां पे देखिए, जो टीजीटी के बारे में अगर हम बात करें तो टीजीटी आपका, हाँ यहाँ पे सैलरी मैंने लिख दिया पहले ही, 63K इन हैंड आपको मिलेगी। ये ध्यान रखिए, कटने पिटने के बाद ये ध्यान रखिए, लेवल 7 का है, 44,900 इसका बेसिक है, ये ध्यान रखिएगा। और बेसिक यहाँ से यहाँ तक आपका जाता है, तो ऑलमोस्ट जब ज्वाइनिंग आप करोगे तो 63-64K के आसपास आपको ये सैलरी मिलती है। अब एज क्या होना चाहिए इसके लिए वो आप जान लो, आपका सबसे बड़ा जो प्रश्न है एज 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज इसमें, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एससी एसटी ओबीसी जो सेंट्रल का रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का वो मिलेगा। और जो पहले से ईएमआरएस के एम्प्लॉई हैं उनका अपर एज लिमिट 55 साल तक है, बस ये आपका रिलैक्सेशन दिया। बाकी आपके पीएच कैंडिडेट का जो होता है वो सब कुछ आपका मिलता है। अब एलिजिबिलिटी पर बात करते हैं टीजीटी के, क्या होगा टीजीटी की एलिजिबिलिटी, यहां ध्यान दीजिएगा। बोला है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ ए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी एंड अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। अगर 4 साल का आपका एनसीटी या एनसीईआरटी के द्वारा आप उस सब्जेक्ट में कोई कोर्स किए हो तो आप एलिजिबल हो। उसके साथ बैचलर ऑफ ऑनर्स डिग्री, ऑनर्स की डिग्री है आपके पास बैचलर की, इन द कंसर्न सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव स्टडी अ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। मतलब आप ऑनर्स की डिग्री में जिस सब्जेक्ट से फिल करना चाहते हो उसको अगर आपने 2 साल, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, ऑनर्स की डिग्री आपकी कोई भी है और अगर आपने 2 साल तक कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ऑनर्स वाले ध्यान रखिएगा, वो आपके अप्लाई कर सकते हैं 3 साल की डिग्री का कोर्स है तो, ठीक है। और बैचलर डिग्री आपकी जो साधारण डिग्री होती है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है, तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडी सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ए डिग्री कोर्स। अगर आपने पूरे 3 साल पढ़ा है तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, समझ में आ गया। ऑनर्स वाले अगर 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़े तो अप्लाई कर सकते हैं, बिना ऑनर्स वाले अगर वो एक ही सब्जेक्ट को 3 साल पढ़े हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं उस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली। अब एक एक करके मैं समझाता हूं, जैसे टीजीटी इंग्लिश कौन भर सकता है, अगर इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ए डिग्री कोर्स, मतलब कि अगर आपका जैसे ऑनर्स होता तो अगर आपने 2 साल इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है, तो आप भर सकते हो। लेकिन अगर आपने इंग्लिश बीए किया है इंग्लिश में और आपने 3 साल नहीं पढ़ा, 2 ही साल अगर
इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहा है तो आप नहीं भर सकते। जैसे कुछ बच्चे होते हैं 2 साल इंग्लिश पढ़ते हैं, तीसरे साल नहीं पढ़ते हैं बीए में, तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, बीए है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, इंग्लिश का नहीं भर सकते, क्योंकि आपको तीनों साल चाहिए वो सब्जेक्ट। अगर आपने किसी, मान लो आपने सब्जेक्ट का आपका कुछ भी रहा हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के साथ भी आपने इंग्लिश 3 साल पढ़ा है, अगर डिग्री में आपके तीनों साल इंग्लिश लिटरेचर रहा है तो आप इंग्लिश का भी फॉर्म भर सकते हो। अब हिंदी का भी वही है, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल थ्री ईयर, तीनों साल अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट रहा है, कुछ बच्चों का होता है कि सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स के साथ हिंदी ले लेते हैं, तीनों साल पढ़ते हैं, तो वो एलिजिबल होंगे हिंदी के लिए भी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आते, क्योंकि यहां पर आप लोगों का जो यूपी टीजीटीआ का होता है उससे आपका कहीं ना कहीं अलग है सीन। अब आते हैं टीजीटी मैथ्स, मैथ्स का कॉम्बिनेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब आपका बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स होना चाहिए, और क्या बोला है, इसमें से कोई एक और सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में से आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ फिजिक्स तो कंपलसरी है, साथ ही साथ इनमें से एक सब्जेक्ट। अब कैसे अब तीन तो लास्ट तक आप पढ़ोगे नहीं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी लास्ट में 2 ही सब्जेक्ट रखना पड़ता है आपको, तो उस पर भी इन्होंने दिया है, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 एज मेंशन अबव इन द फाइनल ईयर, सिर्फ 2 सब्जेक्ट आप फाइनल ईयर में ले सकते हो। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ये ध्यान रखिएगा, तभी वो बच्चा मैथ का फॉर्म भर सकता है टीजीटी के मैथ का, जब उसने लास्ट ईयर में मैथ और फिजिक्स उसके रहेगा, अदरवाइज नहीं, ये ध्यान रखिएगा। एंड 3 सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ ए ग्रेजुएशन, मतलब शुरुआत के 2 साल, तीसरे साल में आपका मैथ के साथ फिजिक्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है, अगर जहां पर लास्ट ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, तो जो 2 साल बचे आपके, उस 2 साल में आपके क्या होने चाहिए, मैथ फिजिक्स के साथ साथ इनमें से आपका कोई एक सब्जेक्ट, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, तब आप एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैथ फिजिक्स तो लास्ट ईयर में हो, साथ ही साथ आपके दोनों साल वाला भी देखा जाएगा कि आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैथ फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री या इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो, ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, आज के बाद फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद से कैंडिडेट हुए पास बीएससी डिग्री विद ऑनर्स, अच्छा अगर आपका बीएससी ऑनर्स है किसमें, मैथ सब्जेक्ट में, वुड बी कंसिडर एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्सेस, मतलब ये बोला है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और ये इनमें से कोई भी आप 2 साल पढ़े हो, बस समझ में आ रहा है कि आपको मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्सेस, इनमें से अगर आपने केमिस्ट्री चाहे कंप्यूटर साइंस चाहे स्टैटिस्टिक्स आप 2 साल पढ़े हो तो आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ, ठीक है, जो फिजिक्स या केमिस्ट्री के ऑनर्स होंगे वो मैथ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से साइंस वाले आते हैं, टीजीटी साइंस, तो टीजीटी साइंस वालों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इन्वायरमेंटल साइंस है सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, आप देख लो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन, अगर 3 सब्जेक्ट आपके लास्ट ईयर में कहा गया है तो आप 3 साल अगर आपने ये पढ़ा है तब आप एलिजिबल हो। अगर किसी यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना होगा तब आपके लिए बोला गया है कि आप उस समय बॉटनी जूलॉजी फाइनल ईयर में एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर बॉटनी आउट ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी इसमें से 2 सब्जेक्ट, क्या बोला है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर, इनमें से बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप पढ़े हो, चाहे बॉटनी केमिस्ट्री पढ़े हो चाहे जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़े हो, ये कॉम्बिनेशन समझ में आया, चाहे आप ये पढ़े हो चाहे ये पढ़े हो चाहे ये पढ़े हो, ठीक है,
दो, अगर लास्ट ईयर में आपको सिर्फ दो सब्जेक्ट चूज करना है तो इन तीनों में से अगर आपने कोई दो सब्जेक्ट लास्ट ईयर में पढ़ा है एंड उसके बाद से आपको क्या बोला है एंड ऑल द थ्री सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, और पहले और दूसरे साल में आपको बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों पढ़ना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। अगर लास्ट ईयर में आपके सिर्फ दो सब्जेक्ट रहते हैं तो आपको इनमें से तीनों में से कोई भी दो सब्जेक्ट रहा हो, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप तीनों सब्जेक्ट पढ़े हैं तभी आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं। कहीं भी अदर डिग्री के बारे में नहीं बोला है, इन्वायरमेंटल साइंस फला साइंस इसमें आपको नहीं दिया गया है, एक बार आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद से बोला इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री एनी वन ऑफ द अबव मेंशन थ्री सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी, ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी अदर टू सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द टू इयर्स, आपका ऊपर किसी भी तीनों में से, चाहे आप बीएससी आपका ऑनर्स हो केमिस्ट्री से या जूलॉजी से या बॉटनी से, तीनों में से किसी में आपका ऑनर्स की डिग्री है और दो सब्जेक्ट आपने, कोई भी दो सब्जेक्ट आपने दो साल पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो। समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखिएगा। अब सोशल स्टडीज की बात आती, बात ज्यादा कंफ्यूजन इसमें भी बच्चों का रहता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन, यहां पर बोला है कि आपको कोई भी दो सब्जेक्ट इन कॉम्बिनेशन में से अगर आपने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन ग्रेजुएशन लेवल, तो आप एलिजिबल हो। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपने अगर तीनों साल पढ़ा है इस कॉम्बिनेशन के साथ, कि हिस्ट्री के साथ आपका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो तीनों साल रहा हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। दूसरी बात और क्या है, ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, अगर आप हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के साथ, हिस्ट्री तो मतलब तीनों साल रहना चाहिए, बाकी आप इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका रहा हो तो आप एलिजिबल हो। एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एक जरूरी ये भी है कि आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी उनमें से एक होना चाहिए, कंपलसरी है, उसके साथ आप कोई भी रख सकते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडी ऑल थ्री ईयर इन द ग्रेजुएशन, ये बोला है कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों साल अगर आप रख रहे हो, जैसे आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस रख रहे हो तो हिस्ट्री आपका तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, अगर ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस रख रहे हो तो ज्योग्राफी आपको तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो है इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द टू ईयर ऑफ द कोर्स, इनमें से आप कोई भी दो साल पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आपका ऑनर्स डिग्री है हिस्ट्री से और आपने इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से दो साल पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह सिमिलरली आपका ज्योग्राफी में ऑनर्स है, आप इनमें से कोई दो सब्जेक्ट दो साल पढ़े हो तब आप एलिजिबल हो, लेकिन कैंडिडेट ऑफ बी ए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नॉट एलिजिबल, इसमें वो एलिजिबल नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत कंफ्यूजन जो आप लोगों को होती है, तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक कंपलसरी है आप लोगों को, जब भी आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है, है ना, यहां बोला ना कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इनमें से आपको दो, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से आपको कोई एक सब्जेक्ट, यहाँ पर हिस्ट्री तो हो ही गया, साथ में इनमें से आपका कोई सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी विद हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, है ना, इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आपको तीनों साल पढ़ना जरूरी ही पढ़ जरूरी है। अगर जहां पे आपको सिर्फ दो सब्जेक्ट लिया जाता है लास्ट ईयर में, सपोज करो लास्ट ईयर में आपको दो ही सब्जेक्ट लेना है, तो आप हिस्ट्री के साथ आप मान लो पॉलिटिकल साइंस लिए हो, ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस
लिया है, ठीक यहाँ पर, तो ठीक है ये आपका चलेगा। और जैसे हाँ हिस्ट्री आपका रहना चाहिए, ये तीनों साल रहना चाहिए। आप ऐसा मत करना कि इसको आपने सपोज करिए फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है, अब यहाँ पर हिस्ट्री पढ़े, यहाँ पर हिस्ट्री पढ़े, यहाँ पे आपने पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स पढ़ा, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ा, और अंतिम में थर्ड ईयर में आते आते आपने हिस्ट्री को हटा दिया, आपने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ले लिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। आपको हिस्ट्री तीनों साल रखना है, ये आपको हिस्ट्री तीनों साल रखना है, और आपका जो यहाँ पर फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रहे थे उसमें से आपको जो भी है पॉलिटिकल साइंस वो रखो, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे। ये ध्यान, दो सब्जेक्ट आपका तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो उसमें आपको मस्ट कर दिया गया है। अब बोला है फॉर टीजीटी, जो लैंग्वेज होता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आएगा, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, तो वो आपने अगर तीनों साल पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो। फिर एंड फॉर ऑल टीजीटी, और एक क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट का सब कुछ क्लियर हो गया, सब्जेक्ट के क्लियर होने के बाद अब आते हैं और एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए। आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, टीजीटी के लिए बीएड डिग्री आपका अनिवार्य है, और आपको जो सीटेट होता है, सीटेट कौन सा, पेपर टू, ये क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, जो सेंट्रल लेवल पे लगता है क्वालिफाइंग मार्क्स, वही, स्टेट लेवल पे नहीं कोई, ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लेवल पे जो होता है सीटेट का पेपर टू आपका क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड डिग्री आपकी टीजीटी के लिए चाहिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा, आपको एलिजिबिलिटी कंफर्म हो गई होगी, कौन कौन से पद आते हैं, ये पिछली बार का था कि कितने पद आए थे, लेकिन सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे ये ध्यान लो, हिंदी का आएगा, इंग्लिश का आएगा, मैथ, सोशल स्टडी, साइंस भी आएगा, प्लस इसमें आपके अलग से भी म्यूजिक, आर्ट के आते हैं, फिजिकल वाले आते हैं, लाइब्रेरियन का भी आएगा, तो जैसे जितना आया था वैसे पद आएंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो ध्यान से एक बार देख लो आप। देखो एग्जाम का पैटर्न जो है वो एकदम जो कॉमन पार्ट है आपका, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड का रोल 10 ही क्वेश्चन का है, जनरल पढ़ लोगे तो आपका हो जाता है, उतना आप जनरली पढ़े भी होंगे। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कंसर्न आता है, सब्जेक्ट कंसर्न में भी बांट दिया गया है, बेसिकली इसमें आपका जो सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन की आती है, वो आपको यहाँ पर पूरा ये 80 है ना 65 का आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद से आपका ये सी टीचिंग एप्टीट्यूड का ही, पेडागॉजी का ही पार्ट आपका यहाँ पाता है, एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी के क्वेश्चन आपके होते हैं, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आपके 2020 के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, और जो खेलो इंडिया है या फिट इंडिया ये सिर्फ उनके लिए है जो फिजिकल टीचर बनेंगे ना, पीटी वाले उनके लिए है, फिजिकल वाले जो टीचर होंगे उनके लिए है यहाँ पर खेलो इंडिया के क्वेश्चन, जनरल सब्जेक्ट वालों के लिए ये पार्ट नहीं आएगा। तो 65 ये होगा और 10 आपका पेडागॉजी और 5 आपका ये जो बोला है सी और डी, तो डी डी जहां लगेगा वहां पे रहेगा, नहीं लगेगा तो 5 क्वेश्चन इसी से आएंगे। ये आपको क्लियर हो गया, तो 80 प्रश्न आपके इस पार्ट से आएंगे, आपका 120 क्वेश्चन यहीं से मेरिट बनेगा, लेकिन लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। लैंग्वेज में फोर्थ पार्ट में क्या है कि अगर आप हर सेक्शन को नहीं क्वालिफाई किए तो फिर आप यहां पर कितना भी आपका मार्क्स है आप फेल हो जाओगे, आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। कुछ बच्चों का यही रहा कि इंग्लिश में नहीं क्वालिफाई कर पाए, जैसे यहां बोला है लैंग्वेज में आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करना है, तो अब रीजनल लैंग्वेज में जो आपको लगे वो आप चूज कर लो। 10 मार्क्स का इच होगा, हर एक 10-10 मार्क्स का होगा, मतलब 30 मार्क्स आपके होंगे इसमें। अब बोला है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क इन ईच लैंग्वेज, पार्ट फर्स्ट टू फिफ्थ ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही सी फेल टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, ये ध्यान। अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं पाया, मतलब यहां से 10 मार्क्स का है, इसमें 40% मार्क्स आपको लेकर आना है, तो चार चार सब में आपका क्या होना चाहिए, आना चाहिए, सभी सब सभी को अलग अलग क्वालिफाई करना है, कंबाइन नहीं करना, हिंदी को अलग क्वालिफाई करना, इंग्लिश आपका अलग क्वालिफाई करना है
और रीजनल लैंग्वेज को अलग क्वालिटी। अगर किसी एक में आप फेल हो गए तो आप फेल हो जाओगे। तो सबसे बड़ा टास्क तो यही है लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा। इसका रोल तो नहीं है मेरिट में, लेकिन कम भी नहीं है। तो लैंग्वेज पे आप लोग, जिनका भी इंग्लिश कमजोर हो चाहे जो भी हो, उस पर आप लोग काम करना स्टार्ट कर दें अभी से। कई बच्चे पिछली बार इससे चूक गए हैं। सिलेबस क्या रहेगा आपका, अगर हम बात करें कॉमन पार्ट का, जो आपका कॉमन पार्ट है, जो 40 क्वेश्चन आपके आएंगे, उन 40 क्वेश्चन का, क्योंकि आपके 80 क्वेश्चन तो इस वाले पार्ट से आ रहे हैं और 40 आपके 10 20 30 40 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के यहां से आ रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस आपका बोला है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज बेस्ड रहेगा। बेसिकली ये तो 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा मोड़ा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का आइडिया थोड़ा होना चाहिए, फिर करंट अफेयर का पार्ट होना चाहिए, फिर रीजनिंग एबिलिटी आपकी अच्छी खासी पूछी जाती है। 10 क्वेश्चन होता है, सभी टॉपिक को कवर करता है, जितने टॉपिक दिए हैं सभी से आपको क्वेश्चन कर देगा, एक सीटिंग अरेंजमेंट दे देगा, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ पर वर्बल रीजनिंग दे दिया था, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, इन सीरीज से, इनक्वालिटी से क्वेश्चन दिया था। तो एक 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूरे टॉपिक से ये बना देगा। तो जितने टॉपिक हैं आपको कवर करना ही करना है। अब कंप्यूटर नॉलेज में आईसीटी में यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके सभी पार्ट से एक एक दे दिया था। मान लो यहाँ से बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से दे देगा, एक कंप्यूटर से दे देगा, एक एब्रिवेशन से दे देगा, एक कीबोर्ड से दे दिया, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर भी आएगा। तो ये आसान सा पार्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, आपको मात्र 20-25 लेक्चर में खत्म हो जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका, ये आपका जैसा दिया गया है उससे थोड़ा सा और अलग भी पूछता है, ऐसी बात नहीं है। जितना टॉपिक है ना, तो आप समझ लो जो आप सीटेट उडेट की तैयारी करते हो वो पूरा यहाँ पर आपको काम आएगा। इतने ही टॉपिक नहीं रहता, उसके इर्द गिर्द सब कुछ होता है, लर्निंग से भी पूछता है, हर चीज पूछता है, ठीक है। टीचिंग मेथड तो पूछेगा, आपके लर्निंग के मेथड भी पूछता है। उसके बाद से आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन रहेंगे। तो जो भी है ये सबसे आसान होता है, क्योंकि जितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फैक्ट हैं वो कवर कर ले जाओ, आपका पूरा 5 नंबर यहाँ से मिल जाता है। तो ये ओवरऑल आपको मैंने टीजीटी के बारे में, आपका ये जो है लैंग्वेज वाला पार्ट है उसका पूरा यहाँ पर, इंग्लिश आपका यही रहेगा और हिंदी आपका ये रहेगा, और जो आप रीजनल चुनोगे चाहे इंग्लिश या हिंदी चुनते हो तो ऑलमोस्ट आपका सेम एज इट इज आपका सिलेबस उसका भी रहेगा, ठीक है। तो उसमें कोई बदलाव नहीं रहता है कि उसमें कुछ आपको अलग पढ़ना है, तो ये तो कंपलसरी है दोनों। और रीजनल में आप जहाँ के होंगे, आप तमिल बंगाली कुछ भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, और कुछ लोग जो है नॉर्थ वाले होते हैं मैक्सिमम इन्हीं में से चूज करते हैं, तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहेगा। तो आपको बस यहाँ क्वालिफाई करना है, इसमें मार्क्स नहीं लेके आना, बस क्वालिफाई जरूरी है। ये ध्यान नहीं क्वालिफाई करोगे तो आप सीधे फेल हो जाओगे। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपकी टीजीटी के से रिलेटेड रहा, और बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है टीजीटी की। जो पहले फेज में चूक गए, सेकेंड फेज में किसी भी कीमत पे आपको चूकना नहीं है। आपने एग्जाम देख लिया, पहली बार पिछली बार पेपर हुआ था, इससे पहले उसका पेपर नहीं था, कुछ पता नहीं था, अब आपके सामने पेपर भी है, आपने पेपर भी दे लिया है, आप अच्छे से उस चीज को एनालाइज करो कि कहाँ पे आपसे गलती हुई, आपके मार्क्स कहाँ पे कटे, और उसके बाद से नई ऊर्जा के साथ आज से ही तैयारी पे लग जाओ। ये मत सोचो कि नहीं वैकेंसी जब आउट होगी तब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकलेगा मात्र 2 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो टीजीटी का सिलेबस बड़ा है, ये तो कॉमन पार्ट है, प्लस 2 महीना तो इसी को लग जाएगा, आपका सब्जेक्ट वाला भी पार्ट है। तो दोनों को तैयार करने में कम से कम 5 महीने तो आपको लगेंगे अच्छे से तैयारी करने में, तो आज से ही लगेंगे, तभी आप जाके टीजीटी में जॉब कर पाएंगे। जो भी आपको दिक्कत समस्या हो रही हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन्हें भी कोर्स से जुड़ना है तो कोर्स के बारे में मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि आप परीक्षा प्लस ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाकर अभी ऑफर चल रहा है, 499 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।